हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच का आज ये लास्ट टॉपिक है जो आपके रीच सिलेबस में दिया गया है। फिगर ऑफ स्पीच के पिछले क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप उन क्लासेस को यदि देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके जस्ट बाद आपका लिटरेचर का ही नेक्स्ट टॉपिक लिटरेरी टर्म्स, साहित्यिक युक्तियां, ये चलेगा। चलिए, आज फिगर ऑफ स्पीच में हम लेके चलते हैं राइम। व्हाट इज राइम? राइम क्या होता है? तुकबंदी। किसी कविता में, किसी काव्य में तुकबंदी हो जाती है, उसको राइम कहते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। राइम तुकबंदी इज ए रिपीटिशन, एक दोहरान है, ऑफ सेम अरेंजमेंट, माने समान अरेंजमेंट, माने व्यवस्था, ऑफ वाउल्स, माने स्वरों की, एंड कॉन्सोनेंट्स और व्यंजनों, स्वर और व्यंजनों का अरेंजमेंट माने व्यवस्थित होना, एट द एंड माने अंत में, ऑफ लाइंस माने पंक्तियों के लाइंस के अंत में, वाउल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड का व्यवस्थित होना, और समटाइम्स कभी कभी इन द मिडल ऑफ लाइंस माने पंक्तियों के बीच में भी ऐसा हो जाता है, और पोएट्री में किसी कविता के बीच में भी जाते हैं, कैट एंड फैट ऐसे भी आ जाता है, और अंत में भी आ जाता है। इवन वर्ड्स एंड स्लाइबल, शब्द और स्लाइबल भी, स्लाइबल का आप जानते हो, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक सीवीसी से मिलकर के एक स्लाइबल बनता है। यदि किसी भी वर्ड में दो सीवीसी हैं तो दो स्लाइबल हो जाएगा, बाइसिलेबिक वर्ड कहलाएगा, और दो से अधिक स्लाइबल हैं तो पॉलीसिलेबिक वर्ड कहलाएगा। वर्ड्स, इवन वर्ड्स एंड स्लाइबल शेयर दिस क्वालिटी, शब्द और स्लाइबल भी इस गुण को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डे राइम्स विद अवे। डे का किससे है? अवे। डे अवे। पफ विद रफ। पफ का राइम तुकबंदी किससे है? रफ से। पफ रफ, ध्यान रखिए, पफ मत बोलिए इसको, पफ। फे को आप फे बोलिए, ना कि फे, ध्यान दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताऊंगा किस तरीके शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं, कैसे शब्दों को बोला जाता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में। पफ रफ, ये तुकबंदी है। अपियर क्लियर, डे का अवे से, पफ का रफ से, अपियर का क्लियर से, ये तुकबंदी है। राइम्स कैन बी मोनोसिलेबिक, तुकबंदी कैन भी हो सकती है मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक किसे कहते हैं? दोस्तों, एक ऐसा शब्द जिसमें एक ही सिलेबल हो, एक सीवीसी हो। पिछले वीडियो में आपके लिए बताया था, एक सीवीसी जिसमें होती है एक कंसोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि, एक स्वर ध्वनि उच्चारण में, प्रोनंसिएशन में, और एक फिर व्यंजन ध्वनि होती है, वो एक सीवीसी कहलाता है, उसको मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं, एक सिलेबल वाला वर्ड कहते हैं। जबकि बाइसिलेबिक का मतलब होता है दो, ऐसा शब्द जिसमें दो सिलेबल होते हैं बाइसिलेबिक, और पॉलीसिलेबिक का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसमें दो से अधिक सिलेबल होते हैं, वो पॉलीसिलेबिक कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि राइम तुकबंदी जब होती है किसी शब्द की किसी दूसरे शब्द से, तो तुकबंदी ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही स्लाइबल हो, एक स्लाइबल भी हो सकता है,
दो खंड भी हो सकते हैं, दो खंड वाला शब्द भी हो सकता है और दो से अधिक स्लैबल वाला शब्द भी हो सकता है। तो पन्नी में ऐसा कुछ भी फाउंडेशन नहीं है। राइम्स आर बेस्ड, तुकबंदी आधारित होती है ऑन प्रोनंसिएशन माने उच्चारण पर, नॉट ऑन स्पेलिंग, स्पेलिंग पर नहीं। किसी शब्द में स्पेलिंग क्या दी हुई है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस शब्द का प्रोनंसिएशन क्या है, उस शब्द का उच्चारण क्या है, ध्वनि क्या है, ये मैटर करता है। राइम स्कीम ऑफ ए पोएम, किसी कविता की राइम स्कीम तुकबंदी प्लेज अदा करती है ए पार्ट मन एक योगदान इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में, बनाने में इमोशनल भावुकतापूर्ण या भावनात्मक, म्यूजिकल संगीत में एंड रिदमिकल और तालबंदी इफेक्ट माने प्रभाव। यानी किसी भी पोएम में, किसी कविता में जब राइम स्कीम तुकबंदी हम बिठाते हैं, तुकबंदी लाते हैं या कोई भी कवि तुकबंदी लाता है, तो वो तुकबंदी क्या उत्पन्न करती है, इमोशनल प्रभाव उत्पन्न करती है, म्यूजिकल प्रभाव उत्पन्न करती है और रिदमिकल तालबंदी भी उत्पन्न करती है। जैसे कि उदाहरण दिया गया कैट एंड फैट, अब ये राइम है, तुकबंदी कैट एंड फैट, हेटिंग एंड स्केटिंग, हेटिंग की तुकबंदी किससे, स्केटिंग से। डियर फ्रेंड्स, यहां में दो स्टैंजा दी हुई है, दो खंड दिए गए हैं, उसमें हम तुकबंदी को देखेंगे। तो देखिए पहला खंड है ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ मे परफेक्ट बी। कहने का मतलब इस स्टेंजा में डे का तुकबंदी किससे है, मे डे मे सी बी, ये तुकबंदी है, इसको कहते हैं राइम स्कीम। इसी प्रकार से नीचे वाली में है पेन, दूसरी पंक्ति में नहीं है तुकबंदी, ध्यान रखना, तीसरी पंक्ति में अगेन पेन, अगेन सिनेयर वेयर, ये तुकबंदी कहलाती है, ये राइम स्कीम कहलाती है। कभी कभी आपको रीट में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्टेंजा दी हुई थी, खंड दिया गया था इसी प्रकार से, और उसमें खंड में पूछा था कि इस खंड का, उपरोक्त खंड का राइम स्कीम क्या है, तुकबंदी क्या है। तो राइम स्कीम देखने के लिए देखिए फ्रेंड्स, दे, दे को हम क्या बोलें, क्या मानेंगे, ए, और इसकी तुकबंदी दूसरी पंक्ति में दी हुई है किससे, मे से, यानी दे की तुकबंदी मे से है तो दूसरी पंक्ति भी क्या कहलाएगी, ए, ओके। तीसरी पंक्ति में ना डे से तालमेल है ना मे से है, अलग है, सी अलग है तुकबंदी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या मानेंगे, बी। और चौथी पंक्ति में सी की तुकबंदी किससे, बी से, सी बी, तो ये भी क्या हो गया, बी। तो इस खंड की तुकबंदी क्या है, ए ए बी बी, ओके। इसके बाद इस खंड में दिया गया है पेन और दूसरे पंक्ति में क्या है, स्नेयर, यानी कि पेन का स्नेयर से कोई तालमेल नहीं है, पेन को क्या मानेंगे, ए, और स्नेयर, पेन से स्नेयर की तुकबंदी नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, बी। तीसरी पंक्ति में दिया गया अगेन, तो मुझे ये बताइए आप, पेन से तुकबंदी है या स्नेयर से अगेन की, अगेन की तुकबंदी, अगेन की ध्वनि पेन जैसी है स्नेयर जैसी, पेन जैसी है तो इसको हम मानेंगे ए। और चौथी पंक्ति में वेयर, तो वेयर की तुकबंदी पेन जैसी है स्नेयर जैसी, स्नेयर जैसी है वेयर, तो फिर स्नेयर को क्या माना है, बी, तो वेयर को भी क्या मानेंगे, बी, ए बी ए बी। तुकबंदी इस प्रकार से होती है। दोस्तों अगले क्लासेज में आपकी लिटरेरी टर्म्स प्रारंभ होंगी, जिसमें एलिजी, सोनेट ये आपको करवाए जाएंगे, ड्रामा वगैरह, शॉर्ट स्टोरी आपके चार पांच दिए गए हैं, तो इसमें जब मैं आपको सोनेट कराऊंगा तब तुकबंदी को और बताऊंगा क्या राइम स्कीम होती है, क्योंकि सोनेट स्पेंसर सोनेट है एडमंड स्पेंसर का,
पेट्रार्कन सोनेट हैं, इसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट हैं, शेक्सपियर जो विलियम शेक्सपियर हुए थे उन सोनेट लिखे थे, उनको ही अपन इंग्लिश सोनेट कहते हैं, लेकिन पेट्रार्कन सोनेट्स जो है वो रेगुलर सोनेट और क्लासिकल सोनेट्स कहलाते हैं। और तीसरा है स्पेंसर सोनेट, उसमें थोड़ा सा उसने बदलाव कर दिया था इस एडमंड स्पेंसर ने, उसी को हम एलिजाबेथन सोनेट्स भी कहते हैं। और जो पेट्रार्कन सोनेट है उसी को हम मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि जॉन मिल्टन ने भी उसी प्रकार के सोनेट्स का इस्तेमाल किया था। वो सोनेट हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लेखकों ने कभी सोनेट लिखे हैं, शेक्सपियर ने, पेट्रार्कन ने, एडमंड स्पेंसर ने भी, है ना। तो ये आपको व्याट ने भी लिखा है सोनेट, इंग्लैंड में जो सोनेट लेके आए थे वो वॉट लेके आए थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी सोनेट की, वो पेट्रार्कन स्कीम को लेके आए थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने अलग ही फिर सोनेट रचे थे। 154 सोनेट उन्होंने लिखे थे, 126 सोनेट लिखे थे किसी डब्ल्यूएच के ऊपर, और 26 सोनेट लिखे थे किसी डार्क लेडी के ऊपर, और 2 सोनेट उन्होंने परंपरागत रूप से लिखे थे। वो हम सोनेट के टॉपिक कराएंगे तब हम बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको ठीक लगा होगा और आप इससे कुछ सीखे होंगे, और अपना एक कॉपी जरूर बना लीजिए आप, ज्यादा नहीं 10 रुपए की कॉपी, 15 रुपए की कॉपी बना लीजिए, उसी में सारा कुछ हो जाएगा। अपन को गोल गोल नहीं घूमना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपन को कंप्लीटली सिलेबस टू सिलेबस भागना है, चलना है, ऐसे गोल गोल नहीं घूमना है। बहुत ही चक्कर लगा करके आप आ रहे हो, बहुत ज्यादा किताबों से आप पढ़ रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस टॉपिक के कंप्लीट उसमें चाहिए, चाहे वो किसी भी किताब में दिया गया है, बस टॉपिक से बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आता, जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे लिटरेचर के साथ। थैंक यू।